एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इसमें प्रज्ञा एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मेरा मीशो का इयररिंग्स कलेक्शन शेयर कर रही हूँ जो मैंने रिसेंटली स्टॉक इन किया है। और इस वीडियो का पार्ट वन ऑलरेडी मेरे चैनल पे जा चुका है, तो अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो आप जाके उसको भी देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद। तो उस वीडियो में मैंने पूरा स्टॉक नहीं दिखाया था क्योंकि एक वीडियो में अगर मैं सब दिखाती तो बहुत ही लंबा हो जाता वीडियो। तो उस वीडियो में मैंने कुछ स्टॉक दिखाए थे और जो बाकी स्टॉक है वो मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी आप लोगों को, और आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो फर्स्ट जो इयररिंग्स है ये मेटल का ही इयररिंग्स है और इसमें ऐसा स्टोन्स लगाया हुआ है और बीट्स लगाया हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये मैट फिनिश में आप लोगों को मिल जाएगा, ये ग्लॉसी फिनिश नहीं है एज यू कैन सी। और इस सब इयररिंग्स का पीछे ऐसा हुक दिया हुआ है। तो ये पिंक कलर में है गाइस और इसका बहुत सारा कलर्स अवेलेबल है मेरे पास। और इसका जो रेड कलर है वो मैंने अभी पेयर अप किया हुआ है इस साड़ी के साथ और मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो ये सब इयररिंग्स आप कुर्ता सलवार प्लाजो सेट्स और साड़ीज के साथ तो डेफिनेटली पहन सकते हो। जीन्स के साथ ये नहीं जाएगा, लेकिन हाँ जीन्स के साथ अगर आप कुर्ता पहनते हो तो ये आप डेफिनेटली कैरी कर सकते हो। तो ये था पिंक वाला और मैंने रेड वाला पहना हुआ है। और नेक्स्ट है ये मरून कलर में, तो मैं प्लास्टिक खोल के सब नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो पॉसिबल नहीं होगा मेरे लिए और वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो ऐसे मैं प्लास्टिक के अंदर से ही दिखा रही हूँ। डिज़ाइन सेम है, जस्ट कलर अलग है। तो ये मरून कलर है। नेक्स्ट है ये डार्क ग्रीन कलर सेम डिज़ाइन में। और ये एक और कलर है। और नेक्स्ट जो इयररिंग्स है वो इस वाले इयररिंग्स से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन थोड़ा सा डिज़ाइन अलग है। मतलब ये आप देख सकते हो कि पूरा मतलब वो जो चांद वाली स्टाइल होता है वो राउंड शेप का है और ये थोड़ा सा ऐसा हार्ट काइंड ऑफ शेप है इसका। तो आप देख सकते हो मटेरियल सेम है और इसमें वर्क भी सेम ही है। वैसे स्टोन लगाया हुआ है और नीचे बीट्स लगाया हुआ है, थोड़ा सा शेप में डिफरेंस है। तो ये ऐसा आ जाएगा और ये भी काफ़ी बड़ा वाला इयररिंग्स है और सेम पीस से इसका क्लोजर दिया हुआ है रबर का। नेक्स्ट सेम डिज़ाइन है पिंक कलर में, ये थोड़ा सा डार्क पिंक है। कैमरा में कैसा लग रहा है मुझे पता नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क जो पिंक कलर होता है वैसा है। और नेक्स्ट है ये ग्रीन वाला पीस सेम डिज़ाइन में, ये ग्रीन वाला कलेक्शन है। तो गाइस नेक्स्ट है ये कुंदन का इयररिंग्स और आप देख सकते हो इसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है और ये भी बहुत ही बड़ा वाला इयररिंग्स है। और इन सब इयररिंग्स के साथ आप लोगों को नेक पीस पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आप लोग पहनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली पहन सकते हो नेक पीस इसके साथ। तो आप देख सकते हो कि इसका क्वालिटी कैसा है, ये पीछे ऐसा इसका लुक आएगा और ये सब पीछे ये ऐसा सेम रबर का क्लोजर आता है और ये पूरा स्टोन लगा हुआ है इसमें और नीचे ये बीट्स है। ये बीट्स जो है ये प्लास्टिक का बीट्स है, लेकिन ये मतलब अच्छे क्वालिटी का स्टोन्स इसमें लगा हुआ है पूरा। काफ़ी सुंदर सा पीस है और इसमें सिर्फ दो ही कलर है, ये है पिंक कलर और ये एक ऑफ वाइट कलर है जो मैंने पहनी हुई है। तो ये दोनों कलर्स इसमें हैं, लेकिन इसका मतलब सेम क्वालिटी का मेरे पास बहुत सारा कलेक्शन है। वो डिज़ाइन थोड़ा बहुत अलग है लेकिन क्वालिटी वाइज मतलब प्राइस वाइज सब सेम ही है। तो नेक्स्ट है ये वाला डिज़ाइन और ये डार्क मरून कलर का है। तो पहले जो मैंने दिखाया था वो क्वालिटी मतलब इसका सेम ही है, मतलब ये दोनों पीस का क्वालिटी सेम ही है, स्टोन वर्क है और नीचे पूरा ऐसा बीट्स दिया हुआ है, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा अलग है और इस डिज़ाइन में बहुत सारा कलर्स है। तो ये था एक मरून वाला और नेक्स्ट आपको मिल जाएगा ये ब्यूटीफुल बॉटल ग्रीन कलर का। ये कलर काफ़ी सुंदर सा है, यूनिक सा कलर है, मतलब ऐसा ग्रीन देखने को नहीं मिलता। तो
आप देख सकते हो ये ग्रीन कलर काफी सुंदर सा है। नेक्स्ट सेम डिजाइन का ये पर्पल कलर आपको मिल जाएगा, मॉव कलर भी कह सकते हो आप, मतलब डार्क पर्पल सा है। नेक्स्ट ये ब्लू कलर का आपको मिल जाएगा, ये डार्क ब्लू कलर का है सेम डिजाइन में ही। और लास्ट है ये पिंक कलर का, ये बेबी पिंक कलर का है सेम डिजाइन में ही। क्वालिटी इन सब इयररिंग्स का बहुत ही सही वाला है, आप लोगों को डेफिनेटली पसंद आएगा। क्वालिटी में आप लोगों को कोई कंप्लेन नहीं होगा, आई एम श्योर, बहुत सुंदर सा क्वालिटी है। नेक्स्ट मेरे पास ये दोनों डिजाइंस है, मतलब ये सेम डिजाइन है, दोनों कलर्स में है, ये क्वालिटी सेम ही है, वैसा स्टोन और बीट्स का काम है इसमें, साइज में भी वैसा ही बड़ा वाला है, लेकिन डिजाइन इसका थोड़ा सा अलग है, आप देख सकते हो, मतलब ऐसा ही एक व्हाइट कलर का मैंने पहनी हुई है, तो आप देख सकते हो दोनों में थोड़ा सा मतलब डिजाइन का डिफरेंस है, लेकिन क्वालिटी सेम है। तो ये भी होगा ऑफ व्हाइट कलर का, और सेम डिजाइन में आपको ऐसा कलर भी एक मिल जाएगा। तो ये डार्क मतलब वो पर्पल कलर या मॉव कलर जो भी आप कह सकते हो वैसा कलर का है। तो नेक्स्ट है ये वाला डिज़ाइन, और ये डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही पसंद आया, और ये लाइट ग्रीन कलर में है, बॉटल ग्रीन नहीं, ये लाइट ग्रीन कलर में है। तो ये डिज़ाइन भी आप देख सकते हो, काफ़ी सुंदर सा डिज़ाइन है, और क्वालिटी सेम ही है, कुंदन का है, स्टोन है, और नीचे बीट्स है, और साइज में भी काफ़ी बड़ा है। तो इसमें भी बहुत सारा कलर्स मिल जाएगा यही सेम डिज़ाइन में। तो ये था ग्रीन वाला, और नेक्स्ट है ये मरून कलर का सेम डिज़ाइन में ही। नेक्स्ट है ये स्काई ब्लू कलर का सेम डिज़ाइन में। नेक्स्ट ऐसा एक ऑफ वाइट कलर का मिल जाएगा, देन आपको ये पीच कलर का मिल जाएगा, और ये पीच कलर्स ना अब बहुत ही ट्रेंड में है, और बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा पीच कलर्स। तो ये सब इयररिंग्स आप लोग लहंगा के साथ, साड़ीज के साथ डेफिनेटली पेयर अप कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। तो नेक्स्ट है ये ग्रीन कलर का, ये डार्क ग्रीन कलर है, एक लाइट ग्रीन मैंने दिखाया, और ये है डार्क ग्रीन कलर का। और नेक्स्ट है ये पिंक कलर का सेम ही डिज़ाइन में। तो इसमें बहुत सारा कलर्स है एज यू कैन सी। और लास्ट वाला जो है ये थोड़ा सा डार्क पिंक है, तो ये बेबी पिंक था और ये डार्क पिंक है, आप देख सकते हो। तो नेक्स्ट ये वाला डिज़ाइन है, और ये डिज़ाइन बहुत ही अलग टाइप का है, और ये प्रीवियस जो इयररिंग्स में दिखा रही थी उससे थोड़ा सा बड़ा है एज यू कैन सी। और इसमें मेरे पास तीन कलर्स है, तो ये पहला वाला है लाइट ग्रीन कलर का, और क्वालिटी भी इन सब का सेम ही है। तो नेक्स्ट है ये पिंक कलर का, ये लाइट पिंक कलर का है, और लास्ट है ये वाला ब्लू कलर, ये डार्क ब्लू कलर का है, आप देख सकते हो काफी सुंदर सा पीस है। तो गाइज ये था मेरा रिमेनिंग इयररिंग्स का स्टॉक, और अगर आप लोगों ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने बाकी स्टॉक्स दिखाया है इयररिंग्स का, तो आप जाके उसको देख सकते हो, मैं आई बटन भी अटैच कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन होगा, तो आप जरूर उसको जाके देखना। आई होप यू विल लाइक दैट ऑल्सो। और उस वीडियो में मैंने एक गिव अवे का अनाउंस किया था जो कि अभी भी चल रहा है, तो अगर आप उस वीडियो में गिव अवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसको जाके देखो और पार्टिसिपेट करो। और रूल्स जो है वो सेम ही है एज द प्रीवियस वन, तो आप लोगों को इस वीडियो को सिर्फ लाइक करना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा।
तो ये दोनों ही मेन रूल्स है। और अगर आप लोग गिव अवे में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके अपना फुल नेम और इंस्टा आईडी मेंशन करना, क्योंकि मैं विनर से इंस्टा आईडी के थ्रू ही कांटेक्ट करूँगी, तो वो ज़्यादा आसान हो जाता है मेरे लिए। तो आप जाके अपना फुल नेम और इंस्टा आईडी लिखना, तो जो विनर होगा वो उसको मिल जाएगा इन ईयरिंग्स में से एक सुंदर सा ईयरिंग्स, जो कि मैं आप लोगों को मीशो के थ्रू ही डिलीवर कर दूँगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करना। और इस वीडियो को अगर 500 लाइक्स मिल जाता है तो उसके बाद ही मैं गिव अवे का रिजल्ट अनाउंस करूँगी, और मैं अपने इंस्टाग्राम में रिजल्ट अनाउंस करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो तो जाके जल्दी से फॉलो कर लो, तो लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है मेरे इंस्टाग्राम का। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड एन्जॉयड इट, यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। And also do let me know what you think of my videos. I would really like to know that. And until next time, stay happy, stay safe, and stay tuned. Bye bye guys.